सिक्स्थ अमेंडमेंट 2002। इस अमेंडमेंट के आने के बाद राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। पर 2002 86th अमेंडमेंट के आने से पहले एजुकेशन क्या हमारा फंडामेंटल राइट था? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 86th अमेंडमेंट 2002 के आने से पहले दो लैंडमार्क केसेस हमारे सामने आते हैं जिसके बाद 86th अमेंडमेंट 2002 आता है। सबसे पहला केस है हमारा मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका, जो कि 1992 का केस है। इस केस में कैपिटेशन फी को चैलेंज किया जाता है। प्राइवेट मेडिकल स्कूल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका कैपिटेशन फी को चार्ज करते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स 25,000, जो कि कर्नाटका के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे चार्ज करते हैं, एंड 60,000 रुपीज जो कि कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे चार्ज करते हैं। सो इस केस में दो इश्यूज फ्रेम होते हैं। पहला इशू होता है कि क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एजुकेशन की गारंटी लेता है, एंड सेकेंड इशू वॉज राइट टू लाइफ का राइट टू एजुकेशन से क्या रिलेशन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करते हैं कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो राइट टू लाइफ का ही एक इंटीग्रल पार्ट है अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि उस टाइम में 21A तो था नहीं अमेंडमेंट से पहले, तो एजुकेशन को लाइफ का एक एसेंस समझा गया, जैसे कि क्लोथिंग शेल्टर एक्सेट्रा एक लाइफ का एसेंस है, वैसे ही एजुकेशन को भी लाइफ का एक एसेंस समझते हुए इसको अंडर आर्टिकल 21A के अंदर ही फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस केस के अकॉर्डिंग एजुकेशन हमारा अमेंडमेंट के आने से पहले भी फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, तो इस केस के बाद आता है हमारा उन्नीकृष्णन केस, जो कि 1993 का केस है आंध्र प्रदेश, उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993। इस केस में क्या होता है कि जो मोहिनी जैन के केस में हमें राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर ही अप्लाई होता है। इस केस में जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी उसमें ये कहा गया था कि इस प्राइमरी एजुकेशन को प्रोफेशनल एजुकेशन तक एक्सटेंड कर देना चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट। जो हमारा एजुकेशन का जो राइट है फंडामेंटल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पे अप्लाई होता है, इस फंडामेंटल राइट को प्रोफेशनल एजुकेशन तक भी एक्सटेंड कर देना चाहिए, इस रिट में ऐसा कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीन इश्यूज फ्रेम किए थे। सबसे पहला तो यह है कि राइट टू एजुकेशन जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, अमेंडमेंट से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, तो फंडामेंटल राइट जो हमारा एजुकेशन का राइट है क्या ये प्रोफेशनल कोर्स तक एक्सटेंड करता है, पहला इशू ये था। सेकेंड इशू क्या था कि क्या हमारा जो फंडामेंटल राइट है टू एजुकेशन ये सारे सिटीजंस के लिए है, एंड थर्ड इशू वॉज क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोई भी इंडियन सिटीजन एस्टैब्लिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 19 के। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमारा जो एजुकेशन का जो राइट है वो अंडर आर्टिकल 21 से आ रहा है, 21 क्योंकि अमेंडमेंट से पहले की बात है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट तो नहीं है, क्योंकि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस कोई ना कोई लिमिटेशंस इम्पोज हुई पड़ी है। ठीक है, तो सारे इंडियन सिटीजन्स के पास, तो हर इंडियन सिटीजन के पास राइट टू फ्री एजुकेशन का राइट है टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स पर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है कुछ इकोनॉमिक कैपेसिटी के ऊपर और कुछ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट के ऊपर, तो इसको हम फंडामेंटल राइट में नहीं लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोफेशनल के लिए एक्सटेंशन मांगा था इसको डिसमिस कर दिया है। ठीक है, इस केस में जो प्रोफेशनल तक के लिए फंडामेंटल राइट को एक्सटेंड करने की बात कही जा रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसमिस कर दिया था। ठीक है, तो थर्ड इशू क्या था कि इंडियन सिटीजन जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं? यस, एनी इंडियन सिटीजन कैन एस्टैब्लिश द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट उसका जो रिकॉग्नाइजेशन है और जो एफिलिएशन है वो स्टेट तभी करेगी जब तुम कंडीशंस को फुलफिल कर लोगे। मतलब
रिकॉग्नाइजेशन के लिए अथॉरिटी जो है कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस को एक प्रेस्क्राइब करती है। अगर तुम उन टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल कर लोगे तभी वो रिकॉग्नाइज या एफिलिएटेड की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन दोनों लैंडमार्क केसेस के बाद हमारा आता है 86 अमेंडमेंट 2002, जिसके कारण तीन चीजें हमारी इंसर्ट और सब्स्टिट्यूट की जाती है। सबसे पहला हमारा होता है आर्टिकल 21, ये इंसर्ट किया जाता है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू कौन कौन से बच्चों के लिए, लेकिन 6 to 14 years तक, मतलब ये भी प्राइमरी है आर्टिकल 21। ठीक है, एंड पार्ट 3 किससे डील करता है हमारा, फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 डीपीएसपी, आर्टिकल 45 सब्स्टिट्यूट, आर्टिकल 45 को सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल दी एज ऑफ 6 years, टिल दी एज ऑफ 6 years तक के लिए। एंड पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है, इसमें के जो है लास्ट वाला फंडामेंटल ड्यूटी, इसको एड ऑन किया जाता है। मतलब अब फंडामेंटल ड्यूटी टोटल कितनी है, 11 हो चुकी है। तो इसमें ड्यूटी किसकी लगाई गई है, पेरेंट्स की, गार्जियन की, एंड थर्ड वन इज वार्ड टू प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन कौन से बच्चों के लिए, 6 to 14 years। तो 6 to 14 years हमारा आर्टिकल 21A भी है और 51 आर्टिकल 51A K भी है। ओनली आर्टिकल 45 जो है वो टिल द एज ऑफ 6 years। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय एंड टेक केयर।